चांद का मुबारक टू ऑल। क्या हो गया आपको, नजर लग गई? मामा की मेहंदी लग चुकी है, करवाया है। सना के नेल्स बहुत यूनिक लगे हैं। माही ने नारियल पानी मंगवा लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड चांद का मुबारक टू ऑल। मैं हो चुकी हूँ ऑल रेडी फॉर चांद रात। अब मेरी मैं चूड़ियां एंड माय ड्रेस, पहले आपको अपनी लुक दिखा दूं पूरी। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मानो अचानक से उसके स्टमक में कोई पेन हुई, मानो अभी तैयार नहीं हो पाई, तो हमने मेहंदी वाली को घर ही बुला लिया था ताकि हम मेहंदी शेहंदी लगा सके। बच्चों ने मेहंदी का प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया है, मैंने कहा मैं पहले रेडी हो जाऊं फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी। बाहर चलते हैं, सबको दिखाते हैं बच्चे मेहंदी शेहंदी लगा रहे हैं। और नेबर से ही हमने मंगवा ली थी, बुलवा ली थी लड़की, बड़ी अच्छी मेहंदी लगा रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। और मेहंदी का प्रोसेस हो गया है स्टार्ट और बच्चों ने घर पे ही मेहंदी लगवाने का डिसीजन लिया है क्योंकि बाहर खवारी शवारी करने का सीन नहीं है। तो माही का एक हाथ हो गया है, माही ने फुल अरेबिक स्टाइल मेहंदी लगवाई है। क्या बात है? अब है मामा की टर्न, मामा को लग रही है मेहंदी। मेहंदी के बगैर जिस तरह चांदन अधूरी होती है, लड़कियों की चूड़ियां मेहंदी जिस तरह साजन के बगैर सजनी। बड़ा चीप जोक। One hour later. Okay, जी सना की मेहंदी लग गई है और सना ने कुछ ये स्टाइल करवाया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ये करवा लूँ। और सना के नेल्स बहुत यूनिक लगे हैं इस दफा, ये सना ने खुद चॉइस करके लगवाए हैं और बहुत खूबसूरत मेहंदी लगी है सना। अब मानो के पास भी चलते हैं, राइट सिमी, सना सिमी, ये सारे इसके नाम है सिमरन। ये रही मानो, बीमार हुई हुई है, ड्रिप लगवा के आई है आज चांद रात के मौके पे। दिखा दो। हाँ नेल्स दिखा देते हैं तुम्हारे सब्रो तुन। मैंने अभी मेहंदी लगवानी है, मानो ने ये नेल करवाए हैं फ्रेंच और अच्छा, आर्ट। मैंने फर्स्ट टाइम करवाए हैं और बड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं। मानो स्ट्रेट करो, हाँ इस तरह करो, हाँ बड़े प्यारे मानो के नेल्स लग रहे हैं। मानो क्या हो गया आपको, नजर लग गई? दिखाना। अच्छा मुंह से हाथ हटाओ, हाथ हटाओ मुंह से मानो, या ये देखो। तो मानो क्या हो गया आपको, नजर लग गई है क्या? पता नहीं, मेरे स्टमक एंड सर दर्द की वजह से ये सब। अल्लाह आपको सेहत दे और बुरी नजरों से बचा के रखे, आमीन। और जल्दी कोई बात नहीं, कल ईद है, मैं लास्ट मोमेंट पे भी होंगी ना, तो मैं कल तैयार होंगी, ईद है इंशाल्लाह। अभी भी यार रेडी तो होना, हमने बाहर तो जाना है। मेहंदी हमने घर वाली घर इसलिए बुलाई है घर पे मेहंदी लगवाने के लिए ताकि हम लोग आराम से चांद रात बाहर जाके बना सके, छोटे मोटे जो काम रह गए वो भी कर लें। तो मानो रेडी फिर भी हो? अच्छा ट्राई, मैं मेहंदी लगवा लूं? मेहंदी लगवाओ और उसके बाद रेडी हो। और जी माही तैयार होके बैठी हुई है, हाँ माही हर टाइम यू नो वो कहते हैं ना ऑन टाइम रेडी। माही प्यारी प्यारी बन के बैठी हुई है, इसकी मेहंदी दिखाओ मुझे सबसे पहले। हाँ माही मेहंदी और तुम्हारे नेल्स दिखाने, तो फोन छोड़ देता 2 मिनट। अरेबिक यू नो अरेबिक स्टाइल, बड़े प्यारे नेल्स लगवाए माही ने भी, फ्रेंच लगवाए हैं। और ये माही की मेहंदी है, सबने फ्रेंच है लेकिन सबके डिजाइन डिफरेंट है। मैं हमेशा ये नेल आर्ट में अपना मर्जी से बनाती हूं। हाँ और मेहंदी भी लगवाई है माशाल्लाह। माही ऑलरेडी है लुकिंग प्रीटी एज ऑलवेज। मैंने बच्चों की मेहंदी और नेल्स आप लोगों को दिखा दिए हैं और अब हम जब बाहर जाएंगे तो वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। बस मैंने भी मेहंदी लगवानी है, मानो के बाद मेरी टर्न है, देन वी गोना गो आउट फॉर चांद रात। आप लोग हमारे साथ साथ ही हैं। ओके जी मामा की मेहंदी लग चुकी है और बहुत प्यारी लग रही है। मामा सेंटर से भी दिखाएं, वेरी नाइस। ओके जी मानो लगवा रही है मेहंदी और लग भी गई है। मानो बस इतनी लगवानी कि फ्रंट पे लगवा रही है, फ्रंट पे लगवा रही है, मानो ने बेले बनवाई है। ओके जी हम लोग निकल रहे हैं और बाहर जा रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि मेरी मेहंदी ना रह जाए क्योंकि मानो की अभी लग रही है और मैं अब जा रही हूँ बच्चों के साथ बाहर। ये शयान भी आ गया, सॉरी हेयर कट करवाया शयान ने, नाइस। ओके जी चांद रात पे चांद निकल आया है बाहर और हम लोग जा रहे हैं चांद रात मनाने। यू गाइस वॉन्ट बिलीव कि सना का भी अभी जूता रहता है, माही का भी, मानो का गुस्सा लेना है, वो भी मेरे पे बर्डन आ गया है। मामा घर पे हैं, मामा ने शीर खुरमा बनाना था, शीर खुरमा। हाँ तो अब हम लोगों को ये सारे काम करने, श्यान की भी 2 बज रहे हैं और माही जूता पहन के खड़ी हुई है और इतना क्राउड नहीं है, शुक्र है हम ही है। लग तो अच्छी रही है, दोनों पहन के चलो ना, दोनों पहन के चलते हो तो फिर पता चलेगा। सो गाइस फातिमा भी ट्राई कर रही है
लोग देख सकते हो। ओके जी, बच्चों ने जूतियाँ शूतियाँ ले ली हैं और श्यान आपने क्या लिया है? बेल्ट। और माही आपने मिल गई आपकी हील्स? और एक इसकी हील ले लिया। ओके जी, चलो ये काम तो हो गया। ओके जी, हम आ गए हैं शानी का जूता लेने। माही और शानी अंदर गए हैं जूता देखने और सना गाड़ी पीछे कर रही है, शायद गाड़ी आ चुकी है। और शानी का जूता लेके फिर हम आगे जाएंगे, मानो का भी जूता पिक करना है। हम लोग गाड़ी में, हमें नहीं लेके गए अंदर, बहुत ज्यादा रश था। लिबर्टी में सही रश है ना माही? हम उधर गए हैं, दूसरी शॉप्स पे गए हैं, वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे लोग, यहाँ पे आग लगी हुई। अच्छा, वहाँ पे रोड खाली मिली, हमने कहा बस कुछ है ही नहीं। हाँ, हमें लगा शायद पता नहीं लोगों ने कल ही ईद बना लिया है, चांद रात आज थी। लेकिन सीन ये हुआ है जी कि हमें गाड़ी में छोड़ गए क्योंकि इतना क्राउड है लिबर्टी की बैक साइड पे। तो हम वेट करेंगे, शानी की जूती लेने गए हैं। जरा फजर की अजानें स्टार्ट हो गई हैं और शानी का जूता नहीं अभी तक मिल रहा। माही, माही भी थक गई है, फजर की अजानें शुरू हो गई हैं। और ये तो हर चांद रात पे होता ही है, शानी के साइज का जूता नहीं कहीं मिल रहा। और मेरी स्पेस नजर आ रही होगी, वो इग्नोर कीजिएगा, मैं लाइनर्स लगाना भूल गई हूँ ये चांद रात की तैयारी में, उसको इग्नोर करें। और हमें बहुत भूख लगी, अभी हमने कुछ खाने को, अभी हमने कुछ खाना है, भूख भी लगी हुई है। कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। सुबह में हमारी चांद रात हमेशा ऐसे ही गुजरती है, हाँ 6-7 बजे हम घर जाते हैं। तो लस्सी, माही ने नारियल पानी मंगवा लिया और हम लोग आइसलैंड आए हैं। हमने तो आइसक्रीम और जूस, और वो भी मंगवाया, लेकिन माही को प्यास बहुत लगी हुई थी तो नारियल पानी भी मंगवा लिया। इतना बड़ा नारियल पानी, ये जम्मू है, उनको एक रेगुलर टैग जम्मू था, मगर जम्मू ही हम सबने भी स्टोर डालनी है अपने। हमारी आइसक्रीम और हमारे जूस आ चुके हैं, ये माही की है और ये मेरी आइसक्रीम है। सना का अनार का जूस है और मेरा है स्ट्रॉबेरी। रेड और व्हाइट मिक्स, शानी का रेड और व्हाइट मिक्स है। Many unbearable hours later. शुक्र है शेर बानो इधर ही है, मैंने भी मेहंदी लगानी थी, नहीं तो मेरी मेहंदी रह जाती। लेकिन इधर ही है। हाँ जी शानी, अभी आपको हाँ ये सबको बोलो कि सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, सब्सक्राइब करें तो बेल्ट, नहीं तो शानी बेल्ट ले आया। अब आई है मेरी मेहंदी की बारी, 6 बज चुके हैं और अब आई है मेरी टर्न, मेहंदी लगवाऊंगी और यहीं पे आज का व्लॉग एंड करूंगी। बहुत थक चुके हैं, बाइक भी गए थे, अब घर आए हैं, मेहंदी शेंदी लगवाएंगे और आप लोगों से मिलेंगे सुबह ईद वाले दिन। अभी मैं व्लॉग एंड करूंगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, डू लाइक एंड शेयर। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।